स्मार्टफोन की जगह आएगी नई खास चीज। ना नेटवर्क का लफड़ा, ना मोबाइल रखने का झंझट। आपका शरीर ही स्मार्टफोन की तरह करेगा काम। बिल गेट्स और नोकिया को अभी से दिख रहा भविष्य। एक दौर था जब रेडियो रखने वालों को रईस समझा जाता था, टीवी वाला उससे भी रईस होता था। हालांकि कुछ दशकों के बाद फिर मोबाइल का जमाना आया, लेकिन अब मोबाइल का जमाना भी खत्म होने वाला है। कोई भी टेक्नोलॉजी एक ही रूप में लंबे समय तक नहीं रह सकती, इसलिए दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज अभी से ये कहने लगे हैं कि 2030 आते आते लोगों के हाथ में मोबाइल कम हो जाएंगे और एक नई खास चीज आ जाएगी, जिसे ना तो चार्ज करने की चिंता होगी, ना ही नेटवर्क की समस्या आएगी, और ना ही मोबाइल की तरह उसे आपको अलग से ढोना होगा। वो चीज क्या होगी, उसे बताएं। उससे पहले आपको एलन मस्क के न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, जो इस तकनीक को सबसे ज्यादा कारगर बना सकती है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क इस थ्योरी पर काम कर रहे हैं कि इंसान की दिमाग में एक ऐसी चिप लगाई जाए जिससे वो आसानी से मोबाइल और कंप्यूटर चला सके। बंदर के दिमाग में चिप लगाकर बकायदा इसका ट्रायल किया जा रहा है। तो ऐसा दावा सामने आया कि चिप लगाते ही वो वीडियो गेम खेलने लगा। मास्क का दावा है कि अगर प्रोजेक्ट सफल हुआ तो इंसान उंगलियों से फास्ट मोबाइल चला सकता है। अभी एलेक्सा जैसी डिवाइस इंसान से बोलते ही ऐसे काम कर देती है, जैसे पंखे बंद करना, लाइट ऑन करना, ये सब एलेक्सा के मदद से हो जाता है। यहाँ तक कि आईफोन में सिरी की मदद से कॉल और सॉन्ग प्ले करने का ऑपरेशन भी होता है। पर एलन मस्क इससे भी आगे सोच रहे हैं, लेकिन एलन से भी ज्यादा तेज बिल गेट्स की सोच है। बिल गेट्स ने कुछ दिनों पहले कहा कि इलेक्ट्रॉनिक टैटू स्मार्टफोन को रिप्लेस कर सकते हैं। आपके शरीर पर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक टैटू बन जाएगा जिसे आप जो भी कमांड देंगे वो उसे पूरा कर देगा। अगर आपको किसी को फोन लगाना होगा तो आपके सोचते ही उसे फोन लग जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि आप जो सोचेंगे वही हो जाएगा, बल्कि उसकी भी लिमिट होगी। जैसे आप सिरी से हर चीज बोलकर नहीं करवा सकते, वैसे ही लिमिट इलेक्ट्रॉनिक टैटू की भी होगी। फिलहाल क्वाल्टिक मूव कंपनी इस तरह के टैटू बनाती है जिसका इस्तेमाल स्पोर्ट्स और मेडिकल लाइन में होता है। मतलब आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि एक खास तरह की चिप आपके शरीर में लगेगी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक टैटू के जरिए आप बातचीत से लेकर वीडियो गेम तक खेल सकेंगे। वहीं नोकिया के सीईओ ने क्या कुछ कहा, अब वो भी सुनिए। उन्होंने कहा कि साल 2030 तक 6G टेक्नोलॉजी आ सकती है। ऐसे में 6G आने के बाद हो सकता है स्मार्टफोन की जगह कोई स्मार्ट ग्लास या फिर कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल होने लगे। कुछ ऐसी तकनीक आ सकती है जिसके जरिए आपको अलग से स्मार्टफोन रखने का झंझट नहीं पालना होगा। हालांकि ऐसा होगा ही ये दावा हम नहीं करते, क्योंकि किसी भी तकनीक को लाना इतना आसान नहीं होता। दुनिया में जब मोबाइल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तब भी वैज्ञानिक अपनी मेहनत में जुटे थे और लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज वो सपना साकार हुआ और मोबाइल कंप्यूटर हमारी जरूरत का हिस्सा बन गया। इसलिए हो सकता है कि ये भी हो जाए कि स्मार्टफोन की जगह आपका शरीर ही स्मार्टफोन की तरह काम करने लगे। हालांकि इस तकनीक के कई नुकसान भी होंगे जिसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आ सकी। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि कोई भी आविष्कार आखिर में जनता के लिए ही होता है।